पोस्टर निकला हीरो एंड हियर कम्स द हीरो ऑफ द मूवी सयोनी. वेलकम तन्मय. फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस फॉर द मूवी. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. क्या ये आप ही हो? हाँ ये मैं ही हूँ. इतना अलग क्यों? लॉकडाउन में वजन बढ़ गया, ऐसा कुछ हुआ क्या? ये घट गया है अभी, स्ट्रेस के मारे तो और ज्यादा घट गया अभी. Talk about the movie. First of all, Sayoni, it's your debut film. So how excited you are and कितने पापड़ बेले हैं आपने एक movie पाने के लिए? बहुत पापड़ बेले हैं. मैं दिल्ली के मंडी हाउस में नुक्कड़ नाटक से शुरू किया था. वहाँ काला कुर्ता पजामा पहन के श्रीराम सेंटर के बाहर हल्ला बोल करते करते आज यहाँ तक पहुँचा हूँ. तो पापड़ तो 70 mm एंड लकीली आफ्टर पोस्ट कोविड ये 70 mm वर्ड बहुत अच्छा लग रहा है. सो या आई एम फीलिंग रियली ब्लेस्ड एंड आई होप ऑडियंस को भी पसंद आएगी ये फिल्म. और हमारी मेहनत है सबकी, सब चाहे हम डेब्यूटेंट्स भी है बट हमने अपना पूरा जी मतलब रियल का खून पसीना दिया है इस फिल्म को. आपकी प्रोड्यूसर ने आपकी ढेर सारी तारीफ की है कि तन्मय की चाहे हड्डी टूटी हो या फिर उन्हें मोचे आई हो, वो कभी स्क्रीन पे ऐसे जाया नहीं होने देते थे और डायरेक्टर को भी नहीं पता होता था कि चोटें लग गई हैं. बताता था क्योंकि पैशन में मैं ये बहाना नहीं दे सकता कि मेरे को चोट लग गई, वो हो गया, लग गई. यू हैव टू वर्क हार्ड. पैकअप के बाद हाँ ठीक होना है क्योंकि अगले दिन का शूट भी ख़राब नहीं होना चाहिए क्योंकि प्रोड्यूसर्स है, डायरेक्टर्स है, सबका एक स्केड्यूल प्लान्ड होता है. तो मैं मेरी वजह से किसी का कुछ हो वो मैं नहीं हूँ. एंड तन्मय, जब बात फिल्म की हो सो इट इज़ अ बिग थिंग. आपको जब एक बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है एंड यू हैव अ लाइक आप हीरो हो उस फिल्म के, तो कितना प्रेशर भी था? प्रेशर तो पहले भी था, बाद में अब शायद अब उससे ज़्यादा होएगा क्योंकि अब आप आ चुके हो, अब आपकी पोले खुल चुकी है. तो आपको नया नया देना है ऑडियंस को, अपने क्राफ्ट के बारे में और अपने क्राफ्ट दिखाने हैं. जैसे अभी ये म्यूजिकल एक्शन थ्रिलर है, देन यू हैव टू शो योर डिफरेंट जॉनर्स. तो या अब प्रेशर ज़्यादा है एक्चुअली. तो पहले था कि यहाँ तक आना, अब यहाँ से इसको बरकरार रखना और आगे बढ़ना, वो भी प्रेशर है. तो प्रेशर कभी कम नहीं होएगा, जस्ट दैट कि अगर बस पैशन और मैं अपना हार्डवर्क में अगर कहीं कमी आई तो फिर मेरा ये भी कम हो जाएगा, और अगर इसको बढ़ाया तो ये भी मेंटेन रहेगा. सो दिल्ली का एक लड़का जब एक सपना देखता है कि मैं एक बड़े पर्दे पर आऊँगा, नुक्कड़ नाटक करता है और उसके बाद फाइनली वो सपना आज पूरा हो रहा है. यू आर ऑन स्क्रीन, एक साथ 800 स्क्रीन्स पे आप रिलीज हुए हैं. सो व्हाट इज दैट फील? मेरे ना एक्चुअली वो वर्ड्स ख़त्म हो चुके, मतलब वो वर्ड्स ही नहीं है मुंह पे आ रहे क्योंकि कभी नहीं सोचा था. क्योंकि बीच में जैसे कोविड अनफॉर्चुनेटली आ गया तो, बट ये मूवी जैसे अभी आपने आपको पता है कि म्यूजिकल है, तो जो 70 mm में जब आप म्यूज़िक सुनते हो, जैसे आशिकी जैसी मूवी थी और आशिकी जैसे एक्टर भी कम बैक कर रहे हैं विद अ डिफरेंट सेम विद अ हेयर स्टाइल, क्योंकि मैं उनका उस वक्त भी हेयर स्टाइल का फैन था 90s में. जहाँ मुझे याद है दिल्ली में हम सेंट्रो कार में मैं कैसेट प्ले करता था सयोनी गाने की, जुनून बैंड की, आज उसी में मैं परफॉर्म कर रहा हूँ और आज वो मेरी मूवी का टाइटल भी है. तो कुछ भी हो सकता है, मतलब मेरे जैसा एक नॉर्मल आके कर सकता है तो कुछ भी हो सकता है. बट द बेस्ट पार्ट इज़ दैट प्रोड्यूसर्स लाइक लकी नाडियाडवाला मुरानी इज गिविंग चांस टू द न्यू कमर्स एंड दैट टू लाइक विदाउट एनी गॉडफादर हु इन इंडस्ट्री. इन दिनों अगर हम बॉलीवुड की बात करें तो काफ़ी सारे बॉलीवुड के ऊपर भी नाम लगे हैं कि यहाँ पे कनेक्शन इंपॉर्टेंट है, ऐसा वैसा, बट वी कैन से यू आर आउटसाइडर. ओके, लगता है एग्जांपल आपके सामने खड़ा ऐसा कुछ नहीं है. मे बी होता भी है, मैं ये नहीं मना करूँ ये बिल्कुल नहीं होता, होता है. बट चाहे मेरे को मिला हो, चाहे किसी स्टार किड्स हो, चाहे कुछ, हम एक चांस दे सकते हैं, सेकेंड चांस ऑडियंस देती है. तो वो मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता. आई गेस एवरीबडी, अगर जिसके पास टैलेंट है वो आगे जाएगा, जिसके पास नहीं वो नहीं जाएगा. तो मैं ये नेपो वगैरह वाली डिबेट में बिलीव ही नहीं करता क्योंकि मेरे को मौका मिला है तो मैं तो कभी डिबेट ही नहीं कर सकता क्योंकि. बट हाँ, उनको एक चांस क्यों नहीं मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए. सेकंड चांस तो ऑडियंस देती है ना, हम कौन होते ब्लेम करने वाले. क्यों ना आप अपनी ऑडियंस से ही ढेर सारी गुजारिश कर दें, बिकॉज फाइनली तन्मय'स ड्रीम कमिंग ट्रू. मूवी देखने जाइए, रिलीज़ हो चुकी है आपके नज़दीक सिनेमा घरों में और अब नॉर्मल सी भी हमें लानी है. हमने इंडस्ट्री को भी रिवाइव करना है. लैपटॉप में वो हो गया यार, अब जाइए 70 mm में देखिए, वेब सीरीज़ भी देखिए, सिनेमा को भी रिवाइव करिए क्योंकि ये जो फील है ये आपको अपने घर पे टीवी पे लैपटॉप पे नहीं मिल सकती. और कोविड के बाद मैं बस इतना कह सकता हूँ ऑन अ सीरियस नोट, ये पैसा वसूल है.
लाइक क्योंकि कोविड के बाद पैसे का और वैल्यू पता चला है तो इसलिए पैसा वसूल जरूर बोलूंगा इसको. ग्रेट, सो वी विश यू ऑल द बेस्ट तन्मय. होप यू विल डू मोर एंड मोर फिल्म. थैंक यू सो मच. थैंक यू तन्मय. सो इट वॉज तन्मय विद अस, जिनकी फिल्म रिलीज हुई है आज सयोनी, जो आप अपने थिएटर्स में देख सकते हैं. और देखते रहिए सास बहू बेटियां. कैमरा पर्सन नितिन वर्ने के साथ श्रुति बड़जात्या, मुंबई आज तक.